नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल डिवाइस बनाकर तैयार कर लिया है, जिसके माध्यम से भारत के जो स्वदेशी लड़ाके हैं वो एक घातक इंटरसेप्टर बन जाएंगे और चुपके चुपके ही दुश्मन देश के फाइटर जेटों को तबाह कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों, DRDO के साइंटिस्टों के द्वारा भारत के स्वदेशी लड़ाके के लिए एक स्पेशल डिवाइस को बनाया जा रहा था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसको फाइटर जेट के जस्ट कॉकपिट के सामने इस प्रकार से लगाया जाता है और यह फाइटर जेट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक जेम्स बॉन्ड की तरह काम करता है। यानी दुश्मन देश के जितने भी लड़ाके अपने फाइटर जेट के सामने होंगे, यह उनकी सारी इंफॉर्मेशन भारतीय पायलटों को देता रहेगा। अब दोस्तों, इसका जो नाम है वो फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स है, जो कि एक इंफ्रारेड सेंसर होने वाला है, जो कि भारतीय फाइटर जेटों के लिए आंख और कान का काम करेगा। दरअसल दोस्तों, अभी तक जब हम दुश्मन देश के फाइटर जेटों को ट्रैक करते थे तो उनके लिए पुरानी टेक्नोलॉजी वाले सेंसरों का उपयोग किया जाता था, जिसके माध्यम से दुश्मन देश के फाइटर जेट समझ जाते थे कि कोई इंटरसेप्टर फाइटर जेट हमको ट्रैक कर रहा है और वो अपनी रक्षा प्रणाली का उपयोग करके भारत की मिसाइलों को मिसफायर भी कर सकते थे। पर दोस्तों, अब की बार जो अपने स्वदेशी लड़ाके तेजस MK2 के लिए यह जो इंफ्रारेड सेंसर बनाया गया है, उसके माध्यम से जब तेजस MK2 दुश्मन देश के फाइटर जेटों को ट्रैक करेगा तो यह किसी भी प्रकार की रेडिएशन को नहीं छोड़ेगा, जिससे दुश्मन देश के जो फाइटर जेट हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको तेजस MK2 के द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। और इसके अलावा तेजस MK2 का यह जो सेंसर है वो तेजस MK2 के पायलट को दुश्मन देश के फाइटर जेट से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान करेगा, जैसे सामने वाला फाइटर जेट कितनी स्पीड से उड़ रहा है, इसमें कितनी घातक मिसाइलें लगी हुई हैं, साथ में जो मिसाइल फाइटर जेट के द्वारा छोड़ी गई है उसकी रेंज क्या है और कितनी रेंज तक और ये अभी जा सकती है। इससे भारत के जो तेजस MK2 के पायलट हैं वो बड़ी ही आसानी से सामने वाले पायलटों को चुपके से धूल चटा सकते हैं और इस इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करने से सामने वाले फाइटर जेटों को पता ही नहीं चलेगा कि कब आकर उनको मिसाइल हिट कर गई। और DRDO की तरफ से इस सेंसर को लेकर सारी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और तकनीक भी इसकी DRDO ने डेवलप कर ली है और जल्द ही इसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, जिसको तेजस MK2 में फिट किया जाना है। और ये सुखोई SU-35 और SU-30 के जो सेंसर होते हैं उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो दोस्तों, भारत के साइंटिस्टों की इस बड़ी कामयाबी के ऊपर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में भी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।